कोरोना वायरस के चलते जहां देश भर में लॉकडाउन है, लोगों से घरों में बने रहने की अपील की जा रही है, वहीं झांसी में बाहर से आए मजदूरों को मेडिकल परीक्षण के बाद उनके घर पहुंचाने के लिए प्रशासन तैयारियों में लगा है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सरकारी और प्राइवेट बसों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित घर भेजने की योजना तैयार की गई है। आपको बता दें कि तकरीबन 500 मजदूर झांसी जिले के मऊरानीपुर में अचानक उतरने से प्रशासन में हड़कंप मच गया था। ये सभी मजदूर आगरा, दिल्ली, ग्वालियर समेत अलग अलग शहरों से बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, जिसके बाद ही दूसरे शहरों में मजदूरी करने लोग फंसे हुए हैं वो वापस आ सकेंगे। यहाँ पे जो इतने लोग आए हैं तो कहाँ से आए हैं सर, इनकी क्या स्थिति है सर? ये अलग अलग क्षेत्रों से, कुछ पंजाब से, कुछ दिल्ली से, कई लोग पैदल और कई लोग बीच बीच में कहीं किसी अलग अलग गाड़ियों से पकड़ करके झांसी तक पहुँचे थे। झांसी में जो है यहाँ पे डीएम साहब ने व्यवस्था करवा करके, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे जितने यहाँ पे आए हुए हैं बसें, ये सब हमारे मध्य प्रदेश के हैं। कुछ जो हमारे मऊरानीपुर के हैं उनको हमने यहाँ पे उतरवा लिया और उनका चेकअप करा करके, चेकअप हमने सभी का करा लिया है यहाँ पे, और चेकअप और जो भी हमारे पास में खाद्य वितरण की सामग्री है उनको दिलवा करके हम इनको अपने गंतव्य स्थान तक यहाँ से रवाना करवा देंगे। सर, जो लोग बाहर के हैं सर, उनको क्या व्यवस्था की गई बाहर? ये जो बसें आई हैं ये बाहर की व्यवस्था के लिए ही आई हैं। जो हमारे इसमें जो मऊरानीपुर के निवासी हैं उनकी हम यहाँ पे, जैसे ग्राम प्रधान है और बाकी लोग हैं, उनसे इनका चेकअप करा दिया गया और उनसे बात करके इनको वहाँ पर गाँव भिजवा देंगे। जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं उनकी ये बसें हमारी वहाँ पे जाकर के उनको छोड़ करके आ जाएंगी।